हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है 11 बजे से। आज मैं घर में ही हूँ और घर में ही मतलब मास टाइप का लगा है, तो दिखाते हैं। आज हमारे घर है कुकर सजने वाला। गाइस कुकर सजेगा, फिर उसके बाद दिखाएंगे पूरा दिन का ब्लॉग। आज घर ही में हूँ तो घर में ही थोड़ा सिस्टम हैंग करेंगे, कब से गाँव में सिस्टम हैंग नहीं हुआ। एक घटना घट गया, हमारे 2008 का कुकर ख़राब हो चुका है। गाइस ये कुकर है 2008 का, ये 2008 का कुकर है। अभी सजने वाले भैया आ रखे, ख़राब हो रखा है। भैया एकदम फिक्स बना के जाना, हाँ। ये बार बार सीटी मारे, सीटी नहीं मार रहा है ये, मतलब सीटी भी मारना चाहिए और एकदम मस्त से पैक भी होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो आज हमारा ये कुकर ख़राब हुआ है, मतलब 2008 में लिया था हमने ये कुकर, अभी भी जिंदाबाद है, इसी में खाना बन रहा है। इसी को खा के बड़ा हो, इसी में खाना खा के हुए, अभी भी टन है, एक सिर्फ इसमें सीटी नहीं आ रही थी गाइस। भाई साहब लगा रहे हैं जोड़ जोड़ तोड़ मरोड़ के, मतलब बनाएंगे आज इसको एकदम मस्त तरीके से कुकर, ये जो कि टाइम टाइम पे सीटी मारे। इसमें हमारा भात कच्चा रह जा रहा है ना, तभी अभी सिटी हिटी का थोड़ा करना हो रही है व्यवस्था। अभी भैया आए थे तो हमने कहा करा लेते हैं और थोड़ा ब्लॉग व्लॉग भी बना लेते हैं इनके साथ, कभी कभी कुकर वालों के साथ भी बनना चाहिए। का कुकर ख़राब हुआ है तो हमसे संपर्क करें, हम भाई को भेज देंगे तुम्हारे गाँव में। बताइए, हमारे पास कुकर सहने वाले का नंबर मैंने ले लिया है, अगर आपका कुकर ख़राब है तो बता दीजिएगा, इस हम कुकर दिला देंगे। और देखो पापा के दाँत टिड़ हुए कि पता नहीं क्या हुआ है, वैसे बैठे हैं, नहीं हुई है, मतलब मजाक कर रहा हूँ। पापा का ये मतलब दहेज में आया था कि कुकर पता नहीं 2000, नहीं यार पापा की शादी तो बहुत पहले होगी होगी, पापा ही नहीं ख़रीदा होगा ये 2008 में, अपनी दुकान के लिए ख़रीदा, पापा की दुकान थी, बहुत बड़ा होटल था, वो फिर बंद हो गया। गए भाई साहब ले रहे 180 रुपये, अगर 180 में इसने सीटी नहीं मारी ना फिर देख लेना, केस केस हो जाएगा, केस देंगे, चेक करना है। ऐसी सीटी मारनी मतलब पूरे पड़ोस को पता चलनी चाहिए कि जस्सी के घर में खाना बन रहा है, ठीक है, पूरे पड़ोस को पता चलना चाहिए, ठीक है, एकदम तगड़ा बनाना। हाँ गाइस देखो कुकर सही हो रहा है हमारा एकदम मस्त तरीके से, ऐसे ने तो कुकर की खोर फोड़ दी है पूरी, क्या कर दिया ये कुकर, अब सही होगा, होगा सही, होगा होगा, डन होगा, बस डन है गए पे। पीछे की तरफ देखो मेरा लग्जरी घर दिख रहा होगा तुम्हें, अभी भी वैसा ही है मस्त एकदम, देखो ये मेरा लग्जरी घर तुम्हें दिख रही है। होगी कुकर की टेस्टिंग, भैया कह रहे हैं कि एक कुकर पानी चढ़ा के इसमें सीटी मारो, तो इसमें अभी हम मारेंगे सीटी। मैंने चढ़ा दिया कुकर, ठीक है गैस में, ऐसे चढ़ा दिया गैस में कुकर, तो अब इसमें देखते हैं कि सीटी आती है कि नहीं, आपको दिखाएंगे, अगर सीटी नहीं आई तो कसम से आज तो केस हो जाएगा भाई में तगड़ा वाला। हो आप प्रभु, धन्य हो आपने उस कुकर में सीटी लगा के दी। और बताओ कैसे हो, सब बढ़िया, धन्य हो आप जैसे कुकर वाले आते रहे, हमारे कुकर सही करते रहे गांव वालों के, ठीक है, चलो फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कभी, ठीक है, ओके। कुकर में सीटी बहुत तगड़ी लगी थी, देखा कि नहीं, बहुत ही तगड़ी, मतलब आपके आपके पास जो अगर कोई कुकर ख़राब है तो मेरे से संपर्क करें और हम इसको वहाँ भेज देंगे उस लोकेशन पे, और बहुत ही तगड़ी सीटी लगाई थी, सुहाँ करके आई, मतलब पहले नहीं आती थी, पहले हमारा भात कच्चा रह जा रहा था एक दो दिन से, तो ये आया तो हमने सही करा लिया। पहले हम दूसरे कुकर में खाना बना रहे थे, ये पुराना कुकर है, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, तो उसमें खाना बहुत अच्छा बनता है। अब स्टार्ट हो रहा ब्लॉग 3 बजे से, तो दिखाते हैं आपको कि मतलब क्या चल रहा है गांव में, क्या नहीं चल रहा है। कई दिनों से अपना गांव तो मतलब रुका ही नहीं हो, शादी वही में हो तुम्हें पता ही है, एक दो दिन पे रुक रहा हूँ, उसमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आज अपने गाँव से रूबरू कराते हैं, क्या चल रहा है गाँव में, क्या हो गया है, क्या नहीं हो रहा है, सब दिखाएंगे कौन कैसा है। हम पहुंचे मेहमा बुआ के घर, तो यहाँ पे एक बच्चा मिला मुझे जो बहुत ही खतरनाक तरीके से गुब्बारा फूंक रहा था, और वो खुद भी गुब्बारा है और फूंक भी गुब्बारा, गुब्बारा गुब्बारे को फूंक रहा है, दिखाते हैं गाइस आपको, ठीक है, ये एक गुब्बारा दिव्यांशी गुब्बारा है, देखो शकल और गुब्बारा सेम हो रखा है, देखो ये इसमें भी हवा भरी है और इसने इसमें भी हवा भर दी है। और तुम्हें दिखाते हैं हमारे हो चुके हैं इधर पे गेहूँ, देखो ये अब गेहूँ चुटाई होगी तो बहुत ही खतरनाक चुटाई होगी गाइस, देखो ये गेहूँ हो गए एकदम मस्त तरीके से, ये देखो गाँव में मतलब अपडेट मिलते रहता है हर किसी चीज़ का भी। हर गांव में एक सस्ती टीचर होती है तुम्हें पता है, ट्यूशन पढ़ाने वाली, तो ये है हमारी मेहमा बुआ देखो, और ये देखो हर गांव में तुम्हें पता ही है एक ट्यूशन पढ़ाने वाली होती है, वो है मेहमा बुआ, और ये देखो इनके पास बहुत ही खतरनाक खतरनाक बच्चे आ रखे पढ़ने के लिए, ये है उसू, तुम जानते होंगे, ये है नैना पागल, और ये हमारे घर आया है एक मेरा भाई, और ये है यूवी यूवी, ठीक है। सो गाइस देखो गांव में एक टीचर होती है तुम्हें पता ही है, देखो एक डंडा भी रखा है, ऐसी टीचर चाहिए मार मोड़ने वाली ना गाइस, हाँ ये देखो ये टीचर, देखो ये
आपके गांव में जो ऐसी टीचर है सस्ती मस्ती टीचर, तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखे मेरे कमेंट बॉक्स में। हर गांव में होती है, हर गांव में होती है जो अगड़ बगड़ के बच्चों को पढ़ाती है। तो गाइस ये मक्खक भी बहुत हो गया, गर्मी का सीजन आ रहा है, मक्ख भी आँख आँख में बैठ रहे हैं। ये बच्चे ला रहे हैं मक्खे, एक दो मक्खे हुए हैं। और गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अपने गांव की जो सस्ती टीचर है ना, मतलब जो मतलब ट्यूशन पढ़ाती है, तो उसको नाम लिख दो ये है करके, पता तो चलेगा किसके गांव में कितनी टीचर है करके सस्ती मस्ती। देखो हमारे गांव में तो मेहमा बुआ है, ठीक है गाइस। अब आई अंजू बुआ, देखो अंदर से बाहर नहीं निकल रही, तो हाँ पढ़ने के बहाने सो रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में, ऐसे ऐसे लोग हैं कुंडी लगा के पढ़ जा रहे हैं। बताओ देखो पढ़ना मतलब सो जा रहे हैं। हमारे यहाँ पढ़ना पढ़ने को थोड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ पढ़ना सो जाने को बोलते हैं। गाइस तुम्हें पता है ना हमारे यहाँ पढ़ना पढ़ना किसको कहते हैं, बस बिस्तर में पड़ जाना वही पढ़ना होता है। ये पढ़ने की बस की देख रहे हो इनकी, पढ़ना शुरू वही होता है जो बिस्तर में पड़ जाते हैं। यहाँ पे तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करते, था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खचबच हो रही होगी। ये हमारे गांव के आतंकवादी बच्चे, देखो ये जो गांव में दो तीन आतंकवादी बच्चे होते हैं, ये हैं जो हर कांड करते हैं, मतलब कांड वाले बच्चे। ये देखो एक दो तीन मीटिंग बिठा रहे हैं कहीं कांड करने के लिए। देखो गाइस ये हैं कांड वाले बच्चे जो गांव में लुंगों में आग लगाने वाले, प्लस गाय को गुस्सरे में लगाने वाले, मच्छी मारने वाले, और बहुत सारे मतलब कांड वाले बच्चे हैं। कांड का लीडर ये है, ये है कांड का लीडर, लीडर ये है, मुखिया ये है, उप कप्तान है, और ये है फील्डर। यहाँ पे इनके लड़के की शादी है तो अब सफाई हो रही है। देखो राहुल की मम्मी है, ये राहुल की शादी हो रही है तो यहाँ पे सफाई वफाई चल रही है। तो ये भाभी लोग आ रहे हैं, सफाई एकदम मस्त तरीके से कर रहे हैं भाभी लोग, क्योंकि इनकी देवर की शादी है। आज मेरे यार की शादी, आज मेरे देवर की शादी है बोलेंगी ये, भानिज की, सॉरी इनका तो भानिज हुआ, सॉरी इनका तो भानिज हुआ। गाइस फाइनली हमारे राहुल भाई की शादी हो रही है, यार तुम्हें बुला बताना भूल गया था मैं, बट हो रही है अभी तो, इसीलिए सफाई चल रही है। मस्त दिखाएंगे आपको शादी, 19 तारीख को है, 19 तारीख को ले जाएंगे तुम्हें हम शादी में मस्त एकदम, राहुल भाई की। और राहुल भाई की शादी में जो ना फुल सिस्टम हैंग होगा, फुल मतलब राहुल भाई मतलब मेरे से 6 महीने बड़ा है। देखो मेरे से 6 महीने वालों की शादी होने लग गया है गाइस। मेरी तो कहाँ, मेरी तो अभी कुछ लड़की कहाँ ढूंढ रखी है, अकाल पड़ रखा है लड़की का, तो अकाल हो गया गाइस, अकाल मेरे लिए तो अकाल हो गया। अगर कोई है तो कांटेक्ट में, शादी होके इसकी बीवी ने इसको छोड़ दिया। हाँ मेरी शादी होके मेरी बीवी ने छोड़ दिया है, देखो अभी भी याद है उनको, तलाक हो चुका है मेरा अपनी बीवी से। सो गाइस तो मतलब ऐसा ही है, अब राहुल भाई की शादी में सिस्टम हैंग होगा, और बाकी अभी कमल भाई की शादी, दीपक भाई की शादी है, मतलब शादियों में सिस्टम हैंग करेंगे। और अभी तो मतलब टाइम है, 10 को है, 16 को है, और 19 को शादी में जाना है। और हम दिखाते हैं आपको हमारे आलू कैसे हो रखे हैं। गाइस ये हमारे आलू, बट पानी ना होने की वजह से ये बहुत गंदी तरह सूख चुके हैं, पानी बरसात नहीं हो रही है। पानी है बट मतलब उस पानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जब तक बारिश ना हो, बारिश का पानी होता है, तो बारिश के पानी की न होने के कारण आलू सूखने लग गए हैं। हमारी खेती इस बार बहुत नुकसान होने वाला है मुझे गाइस, अब भारी नुकसान होने वाला है आलू में, क्योंकि बरसात नहीं हो रही है। जो जंगल में आग लगा रहे हैं ना गाइस, ये प्लीज़ बंद कर दे जंगलों में आग, उसकी वजह से हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। अगर जंगलों को नुकसान, प्रकृति को नुकसान होगा तो बरसात वरसात कुछ नहीं होगी, मुझे पता है सूखा पड़ेगा। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। और कैसा लगा आज का ब्लॉग, आज ये बिना मन का ब्लॉग था, मतलब मन नहीं था, फिर भी ब्लॉग शूट करा मैंने, तभी मतलब रोज़ ब्लॉग शूट करता ही हूँ मैं, आज मेरा मन नहीं था, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ करके, फिर भी फिर अंदर से आया कि नहीं यार ब्लॉग तो बनाना है, तो मैंने बनाया ब्लॉग फिर से। और कैसा लगा आज का ब्लॉग, तो गाइस फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, कल परसों तो फिर सिस्टम हैंग होने वाले ब्लॉग आने वाले हैं, फिर मिलते हैं आपको गाइस।